हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल रबर थास्ट। तो चलिए, आज एक नए ब्लॉग में आप सब लोग को स्वागत है। आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा रहा हमारा जर्नी और उधर क्या क्या हम किए, क्या क्या नहीं किए। ये ट्रेन में जाते वक्त कुछ वीडियोस आप लोगों को दिखाएंगे, बाहर का नज़ारा क्या दिखा दर दे ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है बाहर का, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो जगह है पूरा जंगल पहाड़ से घिरा हुआ जगह है। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये जगह है, बिल्कुल नेचर को एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़। मेरा जो गांव का लड़का है झाड़ू है, उसका जीजा जी वहाँ रहते हैं, तो इसलिए हम उनके बहन और भतीजी को छोड़ने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी जो गुड़िया यहाँ क्यूट सी बच्ची बैठी है, ये हमारे बासी वाले सीट में। ये आप देख सकते हैं बाहर के नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, पूरा एंजॉय करते हुए हम लोग अभी चल रहे हैं रास्ते में। इतना सुंदर ये नज़ारा है, पूरा जंगल पहाड़। और अब हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ में, और उधर का ये सुबह का ये जो नज़ारा ये आप देख सकते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का यहाँ जो घर है इसमें वो ऐसे ही ये टाइल्स वगैरह ऐसे होता है, हमारे उधर इधर तो थोड़ा अलग है और उन लोगों का थोड़ा अलग है। उन लोगों का घर का जो रहन सहन वो सब कुछ अलग है थोड़ा। ये गेरवानी का जगह है, अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे छत्तीसगढ़ का ये जो है मोती महल। आने के समय हम लोग थोड़ा इधर घुस गए, लेकिन ये बहुत ही पुराना ये महल है और बहुत ही फेमस है। ये है राजा भूपदेव सिंह का ये महल, बहुत ही पुराना महल है। लेकिन इसको थोड़ा, अगर ये एक टूरिज्म प्लेस है, लेकिन इसको शायद छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा ही खंडर होके पड़ा रहा। ये छोटी गंगा इधर बहता है छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ का छोटी गंगा है। कितना चलो श्री श्री गोपीनाथ जी मंदिर, नरसिंह मंदिर गली, गोपीनाथ जी मंदिर मंदिर जी नहीं सर। तो अब हम पहुंच गए रायगढ़ स्टेशन में जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला भी है। और स्टेशन पहुंचते ही ये देख सकते हैं आप, ये जो छोटी बच्ची चेस खेल रही है, बहुत ही दिमाग वाले बच्ची है ये, और इन्होंने मुझे दो बार हराया है जो कि बहुत ही आश्चर्य हो गया। और प्राइज के स्वरूप इसको दो मैंगो फ्रूटी ला के दिया,
बहुत ही टैलेंटेड गाय है। ये तीनों बहन और इसके पापा यहाँ स्टेशन में जब हम आए तो बैठे थे और खेल रहे थे, तो मैं देख रहा था और लास्ट में इसके साथ थोड़ा खेल लिया। तो अब हम चल रहे हैं घर के तरफ। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है। पूरा बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज यहाँ आपको देखने मिल जाएगा। देखिए पूरा जंगल ही जंगल है और हम चल रहे हैं ट्रेन में। एंजॉय करते करते आप देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम प्रकृति को एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, तो बहुत ही सुंदर महसूस होता है, दिल को सुकून मिलता है। ये आप देखिए ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होके मज़े ले रहे हैं नेचर का। नेचर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बस जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको एंजॉय करने लग जाता हूँ हर वक्त। ये देखिए दूर ये पहाड़ दिख रहा है और यहाँ छोटा मोटा गांव है। छत्तीसगढ़ झारखंड ये सब जो एरिया है ये बहुत ही रूरल एरिया है और यहाँ बहुत सारे आदिवासी प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं और पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया है। तो हम जब जा रहे हैं आज तो यहाँ हमारा जो ट्रेन है 5 घंटा अभी लेट में चल रहा है। ये है भालू लता स्टेशन और यहाँ पे भी ट्रेन आधा घंटा के करीब रुक गया था। तो ऐसे ही लेट होते होते हम चल रहे हैं ये नेचर को एंजॉय करते करते। ये देखिए पूरा पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ खेती बाड़ी भी हो रहा है। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं लेकिन फिर भी जो लोग रहते हैं वो सब खेती बाड़ी करके उन लोगों का लिविंग करते हैं। और अब शाम हो गया है और ये हमको देखने को मिल गया एक अनोखा चीज़। ये देखिए पहाड़ में जो जंगल है उसमें शायद आग लगा दिया गया है या फिर लग गया है। जो भी हो नुकसान तो सबका होता है आग लगने से जंगल में, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे सब जल के राख हो जाता है। जंगल में अमंगल हो गया और नहीं दिख रहा है ऐसा। ये देखिए कैसे चल रहा है, 2-3 जगह में ऐसे पूरा आग लग गया है और ये पूरा ऐसे जल रहा है। देखिए पूरा पहाड़ के ऊपर भी, नीचे से पूरा ऊपर तक। और ये जो छोटी बच्ची है इसका नाम आकांक्षा, जो कि मेरे साथ बहुत खेल रहा था लेकिन अब सो गया है। ये खेलते खेलते सो गया। और अब रात का 1:30 बज गए हैं और हम लोग अभी भी 1.5 घंटा पीछे चल रहे हैं। मतलब 3 बजे तक हमारा ट्रेन मालेश्वर में पहुंच जाएगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ये जो आप देख रहे हैं ये लड़की लोग और
लेडीज लोग और भी जेंट्स कुछ लोग हैं। रात को 1:30 बजे ये लोग ट्रेन में उठे और इतना हल्ला गुल्ला मचाया कि सबका सब नींद टूट गया। तो इसलिए मैंने थोड़ा इन लोगों का भी वीडियो बना लिया। तो आप भी अगर किसी दिन ट्रेन में जाओगे और रात में सफ़र कर रहे हो तो ध्यान देना चाहिए कि किसी का नींद ना टूटे, क्योंकि आप आपका अगर खुद का सीट मिल गया आपको तो आप देख के जाके बैठ सकते हो उधर, और चिल्लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में आप लोगों को दिखाया। ये हिजरी स्टेशन में ये लोग उठे जबकि रात को 1:30 बज गए थे, तो 8:10 ये लोग थे, 8:10 थे। तो थैंक यू।